हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ नोवा ट्रिमर NHT 109 पर। तो चलिए कुछ इसका अनबॉक्सिंग देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से नोवा का NHT 109 पर आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो ये कुछ सेल्फ शार्पिंग ब्लेड के साथ आपको मिल जाता है और इसकी कुछ प्रिसीजन सेटिंग 40 mm तक प्रिसीजन सेटिंग इसमें दी गई है और ये ट्रिमर आपको 8 घंटे के चार्जिंग पर 45 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो और साथ ही में इस ट्रिमर की गारंटी है, जो 2 ईयर की गारंटी यहाँ पर बॉक्स पर लिखी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को ये ट्रिमर मिल जाएगा, आप डिजाइन देख ही रहे होंगे। और दोस्तों, बॉक्स के पीछे हम कुछ बात करें तो प्रोडक्ट की एसेसरीज के बारे में बात की है, इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाते हैं उसके बारे में बात की है। तो आपको एक रिचार्जेबल ट्रिमर मिल जाता है, 2 पीस गाइडेड कॉम मिल जाता है, ये यहाँ पर बॉक्स पर आप देख रहे होंगे। चार्जिंग कॉर्ड मिल रहा है, मीन्स की ये जो वायर मिल रहा है चार्जिंग का वो मिल रहा है, और इसके साथ क्लीनिंग ब्रश और लुब्रिकेंट ऑयल जो कि नोवा के सभी ट्रिमर में मिलता है वो सभी चीज़ें इसमें मिल रही है। और जो यहाँ पर कुछ कटिंग लेंथ के कॉम की बात की है और उसके साथ जो 40 mm प्रिसीजन ट्रिम सेटिंग की बात की है और आपको स्विच की बात की है और NICD जो बैटरी मिल रही है 600 mAh आवर की जो बैटरी मिल रही है, लॉन्ग लास्टिंग पावर की बैटरी मिल रही है, उसके बारे में कुछ बात की है। तो सब कुछ इस तरह से ये ट्रिमर आप लोगों को मिल जाता है। सो इस साइड भी कुछ आपको स्ट्रॉन्ग पावर, अल्ट्रा क्विट और 45 मिनट तक वर्किंग 8 आवर के चार्जिंग के साथ यहाँ ऐसा कुछ लिखा गया है, जो कि बॉक्स पर आगे लिखा है वो सभी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों, इसकी जो गारंटी आपको मिल रही है वो कुछ वर्ल्ड वाइड 2 ईयर की गारंटी मिल रही है, ऐसा कुछ लिखा गया है। इसकी आप दुनिया के किसी भी एरिया में हो और नोवा का जो स्टोर आपके नज़दीकी एरिया में हो तो आप वहाँ से भी गारंटी ले सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर बॉक्स पर लिखा गया है और बॉक्स का मॉडल नंबर लिखा गया है नोवा का NHT 109 पर। तो चलिए दोस्तों, इसका कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही नोवा की जो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो कुछ आपको मिल जाती है और यहाँ पर जो बॉक्स पर लिखा है वो सभी चीज़ तो यहाँ पर लिखी गई है और भी अंदर आप ये कॉम को कैसे सेटिंग कर सकते हो, इसके रेगुलेटर को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कॉम को कैसे सेटिंग कर दो वो सब के बारे में लिखा गया है, चार्जिंग कैसे करना है, ब्लेड को कैसे ओपन करना है, क्लीनिंग वगैरह कैसे करना है, वो सभी के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही में बॉक्स में आपको कुछ ही ट्रिमर मिल जाता है जो आप देख सकते हो, सेम सभी ट्रिमर जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर इस ट्रिमर में जो रेगुलेटर सेटिंग है उस पर ही चेंज किया है। मीन्स की हम बोल सकते हैं कि ये ट्रिमर ने ओनली फॉर डिजाइन ही चेंज की है। और दोस्तों, इसके जैसा कुछ ब्राउन का जो ट्रिमर है वो इसके जो ये रेगुलेटर दिया गया है इसके जैसे ही रेगुलेटर का एक ट्रिमर ब्राउन का है ही ऑलरेडी पहले से। दोस्तों, एक कॉम ऑलरेडी ट्रिमर के ऊपर लगी हुई है और एक कॉम अंदर जो बॉक्स में मिल जाती है प्रिसीजन सेटिंग में, मीन्स की 40 mm तक प्रिसीजन सेटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए 1 से 20 तक यहाँ से सेटिंग कर सकते हो और 21 से 40 तक इस कॉम से आप सेटिंग कर सकते हो। और दोस्तों, साथ ही में बॉक्स के अंदर कॉम के अलावा चार्जिंग के लिए जो वायर दिया गया है ये वायर है और जो क्लीनिंग ब्रश दिया गया है ब्लेड क्लीन करने के लिए और जो लुब्रिकेंट ऑयल दिया गया है वो कुछ अंदर दिया गया है। और साथ ही में जो नोवा का जो 500 rupees के ऊपर के ट्रिमर में जो भी पाउच वगैरह आता है वो पाउच यहाँ पर दिया गया है। तो सर, ट्रिमर पर फोकस करें तो कुछ ये ट्रिमर आपको अच्छे कॉम्पैक्ट डिजाइन में मिल रहा है। और दोस्तों, कुछ इसका जो रेगुलेटर सेटिंग है वो काफी बढ़िया है, मीन्स की एकदम इजीली आप सेटिंग कर सकते हो, बाकी सब ट्रिमर के जैसा नहीं है कि आपको आपको रेगुलेटर सेटिंग करने के लिए जो प्रॉब्लम वगैरह हो तो नहीं होगी। आप ऐसे रेगुलेटर सेटिंग करना चाहते हो तो इजीली रेगुलेटर को सेटिंग वगैरह कर सकते हो, तो आप जैसे ही रेगुलेटर को रोटेट करते हो तो कॉम इजीली सेट हो जाता है, उस तरह से आप जितने mm तक सेटिंग करना चाहो ऐसे सेटिंग कर सकते हो।
सो इस ट्रिमर को मैं ऑन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसकी जो मोटर बेस है वो काफी बढ़िया है, जो कि बाकी ट्रिमर के जैसे एस कंपेरेटिव है, उसमें कुछ नया नहीं है। और दोस्तों आपको कॉम कैसे निकालना उसके बारे में बात करूं तो आप कुछ इस तरह से कॉम को फोर्स करके कॉम निकाल सकते हो। तो दूसरा कॉम लगाना चाहो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो गैप दी गई है वहां पर से आपको सेट करना है, तो इस तरह से कॉम को सेट कर सकते हो। और उसको भी आप सेट करना चाहो तो इस तरह से सेट कर सकते हो। तो सब कुछ इस तरह से ये ट्रिमर आप लोगों को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से नोवा का ये ट्रिमर NHT 109 पर आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप ये ट्रिमर बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप बाय कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।